नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग दाल के हलवे की रेसिपी। इसे सर्दियों में खूब बनाया जाता है और शादियों में तो अक्सर बनाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम इसे बिना मावे के बनाएंगे और दाल को भिगो कर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल का हलवा। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हलवा बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग की दाल ली है और ये बिना छिलके वाली दाल है। ये लगभग 250 ग्राम है। हम दाल को बड़े बर्तन में डाल देंगे और 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। दाल को हमने धो लिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। हम इसे 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रखेंगे। अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसे गुनगुने पानी में 2 घंटे तक भिगो कर रख सकते हैं। लगभग 4 घंटे हो गए हैं, हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। हम इसमें से पूरा पानी बाहर निकाल लेंगे और मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे। हमने दाल को पीस लिया है। इसको नहीं तो ज़्यादा बारीक रखना है, नहीं ज़्यादा मोटा। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप घी डाल देंगे। 1 कप दाल के अनुसार हमने 1 कप ही घी लिया है। अब इसमें पीसी हुई दाल को डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल का हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत दाल को सेकने में लगती है। दाल को सेकते समय ये बहुत ही चिपकती है, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए सेकना है। हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए सेकेंगे। दाल को सेकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। दाल में से सारा पानी ख़त्म हो गया है और ये एकदम खुली खुली हो गई है। हमें इसे लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक और सेकना है। 10 मिनट हो गए हैं और दाल का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे और कटी हुई बादाम भी डाल देंगे। इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए दाल के साथ सेक लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, दूध से इसका स्वाद बढ़ जाएगा। हम इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें केसर वाला दूध भी डाल देंगे। मैंने यहाँ गर्म दूध में केसर को भिगो कर रख दिया था। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, इससे हमारे हलवे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसे दूध सोखने तक इसको पकाएंगे। हलवे ने दूध को पूरा सोख लिया है। ये देखिए किनारों पे घी भी बाहर आने लग गया है। अब इसे 1 मिनट के लिए और चलाते हुए पका लेंगे। मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसे सर्व करने के लिए 1 बड़े बर्तन में बाहर निकाल देंगे। हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बना है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हलवा ही बनाते हैं वैसे ही बनकर तैयार हुआ है। इसे आप एक बार सर्दियों में ज़रूर बनाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।